दोस्तों इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को नीचे जाकर दबाइए और साथ में लगी घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। कुछ लोग अपने जीवन साथी को जरूर परखना चाहते होंगे कि क्या वह सचमुच उनके लिए ईमानदार व योग्य है। किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक सटीक नीति बताई है। यदि इस नीति में बताई गई बातों के आधार पर हम किसी स्त्री या पुरुष को परखेंगे तो व्यक्ति के संबंध में सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये जानते हैं कि वे चार बातें कौन सी हैं जिसके आधार पर हम अपनी प्रेमिका, पत्नी या अपने किसी खास व्यक्ति को परख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत चौहान और आप देख रहे हैं रहस्य टॉक शो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात, त्याग की भावना देखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए सबसे पहले उसकी त्याग क्षमता देखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए खुद के सुख का त्याग कर सकता है तो वह निसंदेह श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। जिन लोगों में त्याग की भावना का अभाव होता है वे कभी भी श्रेष्ठ इंसान नहीं बन पाते हैं। त्याग की भावना के बिना व्यक्ति किसी का भला नहीं कर पाता है। दूसरी बात, चरित्र देखना चाहिए। व्यक्ति को परखने की प्रक्रिया में दूसरी सबसे जरूरी बात है कि उसका चरित्र देखना चाहिए। जिन लोगों का चरित्र बेदाग है, यानी जो लोग बुराइयों से दूर रहते हैं और दूसरों के प्रति गलत भावनाएं नहीं रखते वे श्रेष्ठ होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र दूषित है और विचार पवित्र नहीं है तो उनसे दूर रहना चाहिए। तीसरी बात, गुण देखना चाहिए। परखने की प्रक्रिया में तीसरी बात है कि व्यक्ति के गुण देखने चाहिए। सामान्यतः सभी लोगों में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं, लेकिन जिन लोगों में अवगुण अधिक होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। अवगुण यानी अधिक क्रोध करना, बात बात पर झूठ बोलना, दूसरों का अपमान करना, दूसरों की चुगली करना, अहंकार आदि। जिन लोगों में ऐसे अवगुण होते हैं वे श्रेष्ठ इंसान नहीं माने जाते। चौथी बात, कर्म देखना चाहिए। अंतिम बात यह है कि किसी व्यक्ति के कर्मों का भी अवलोकन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से धन अर्जित करता है या अधार्मिक काम करता है तो उन लोगों से हमें दूर रहना ही श्रेष्ठ होता है। गलत काम करने वाला इंसान अपने आसपास रहने वाले लोगों पर भी बुरा असर डालता है। साथ ही ऐसे लोगों की मित्रता के कारण हम फंस भी सकते हैं। तो ये थी वे चार बातें जिनके आधार पर हम अपने किसी भी खास व्यक्ति को परख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर कीजिए ताकि इन जरूरी बातों को सभी जान सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।